हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर रियली वेरी वेल। माय नेम इज़ दर्शना मोड़ा। आई अपलोड होम मेकिंग एंड लाइफ स्टाइल वीडियोज। इफ़ यू लाइक माय वीडियोज एंड न्यू टू माय चैनल, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोज। तो आज जन्माष्टमी है, कृष्ण भगवान का बर्थडे है, तो लाला जी को नहलाकर नए वस्त्र पहनाकर रेडी कर देते हैं। से सजा हुआ मंदिर बहुत ही प्यारा लगता है, लेकिन हमारी टाउनशिप में फूल नहीं मिलते हैं। ये तो स्पेशली भरूच से मंगाए हैं, तो सिटी से दूर रहने का ये भी एक लॉस है। तो हेलो, जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, आज जन्माष्टमी है, तो आप सबको जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। लड्डू गोपाल सबकी मनोकामना पूरी करे। जय श्री कृष्णा। पूजा करने के बाद थोड़ी गुलाब की पंखुड़ियाँ बची थी, तो मैंने उसको पानी के साथ डाल दिया है। बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन यहाँ बहुत ओकेजनली ही फूल मिलते हैं, तो उसको फेंकने का मन नहीं कर रहा था। बस सीधा आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, तो आज खाना थोड़ा जल्दी स्टार्ट करूँगी, क्योंकि आज एक गैस पे ही मुझे पूरा खाना बनाना है। दूसरा गैस एकदम स्लो चल रहा है, और जो पूजा वाला गैस है वो मैं कृष्ण जन्म के बाद ही चालू करूँगी। तो अभी दाल चावल रख दिए हैं, और आटा चक्की भी, कल सप्तमी थी तो कल हम आटा नहीं पीसते हैं, तो बस आज सुबह सुबह उसको भी चालू कर दिया है। तो आटा निकाल कर दूसरा आटा पीसने के लिए रख दूंगी। और मुझे आज ढोकले का भी पीसना है, तो ढोकले के लिए यहाँ दो कटोरी चावल लिए हैं। तो चावल ये ब्रोकन राइस है, जिसको हम गुजराती में कणकी बोलते हैं, और एक कटोरी चने की दाल और आधी कटोरी उड़द की दाल। तो इसका नाप याद रखना बहुत ही ईजी है, जितने चावल लिए हैं उसे आधी चने की दाल लेनी है, और चने की दाल से आधी उड़द की दाल लेनी है। तो ये ढोकले का बेटर है, मीन्स के ढोकले का प्रीमिक्स बनेगा। अगर आपको हांडवे का प्रीमिक्स बनाना है, तो उसमें तुअर की दाल आपको आधी कटोरी और डालनी है। तो बस सबको मिक्स करेंगे और फिर दरदरा पीस लेंगे। अगर आपको ज़्यादा पीसनी है तो आप इस नाप को डबल कर सकते हो। तो यहाँ हम किसी भी चीज़ को वॉश नहीं कर रहे हैं, तो उड़द की दाल को पीसने से पहले थोड़ा कपड़े से क्लीन कर लेना है। तो अभी मैंने आटा चक्की में उसको दरदरा पीसने के लिए डाल दिया है, और साथ में बना रही हूँ खाना भी, क्योंकि आटा चक्की का प्लग मेरा किचन में ही है, तो मैं दोनों काम साथ में कर रही हूँ। तो आज का लंच मेनू सिंपल ही है, कितनी भी वैरायटी खा लो, लेकिन जो मज़ा, जो संतोष सिंपल खाना खाने में मिलता है, वो कहीं भी नहीं मिलता है। तो बस अभी दाल सब्जी चावल सब हो गया है, अब बनाऊंगी रोटी। तो रोटी आज मैं छोटे गैस पे बना रही हूँ, मैं रोज़ बड़े गैस पे रोटी बनाती हूँ, तो आज मुझे थोड़ा उल्टा पड़ रहा है, लेकिन कोई नहीं, एक दिन की बात है। बस कल पूजा करने के बाद, मीन्स के आज कृष्ण जन्म हो जाएगा, उसके बाद बड़ा वाला गैस भी ओपन कर दूंगी। तो बस रोटी करने के बाद चिमटा है, घी है, मीन्स के तवी है, वो सब पोंछ कर वापस रख दूंगी। तो रोज़ मैं ये सब चीज़ें वॉश नहीं करती हूँ, क्योंकि गिन के मुझे 5-6 रोटी ही बनानी रहती है।
तो चलो फ्रेंड्स, अभी बजे हैं शाम के 5 और मैं जा रही हूँ कृष्ण भगवान की शोभा यात्रा में। तो जन्माष्टमी है आज, तो हमारी टाउनशिप में कृष्ण भगवान की शोभा यात्रा निकलती है और शोभा यात्रा को पूरी टाउनशिप में घुमाते हैं। 4-5 जगह मटुकी भी रखते हैं और मटुकी फोड़ उत्सव भी मनाते हैं और फिर लास्ट में प्रसाद में पूरा फलाहार रहता है और फिर मंदिर की आरती होती है। तो चलिए चलते हैं शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए। अभी 7 बजे तक घर पर आ गई हूँ। अभी मंदिर में आरती होना बाकी थी, लेकिन आरती के लिए रुकती तो बहुत लेट हो जाता, तो घर पर आकर मंदिर में आरती की और फिर आ गई हूँ सीधा किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि मेहुल की नाइट शिफ्ट है तो मुझे जल्दी खाना बनाना है और पार्थिल को भी मुझे पढ़ाना है। कल उसकी एग्ज़ाम है, कल उसका कंप्यूटर का पेपर है, तो इस पर उसकी इतनी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हुई है। ये पूरा महीना गेस्ट और फेस्टिवल में ही गया है, तो थोड़ा बस 1-2 घंटे मुझे उसको देने हैं। तो अभी डिनर में बना रही हूँ आलू की सैंडविच, इसको कल मैं पार्थिल को भी टिफ़िन में यही देने वाली हूँ। फ्रेंड, इस बार मैंने लेमन जूस को बोतल में भर कर रखा था क्योंकि लेमन बिगड़ रहे थे। तो फ्रेंड सच पूछो, ये इतना इजी पड़ता है ना,
फिलहाल अभी तो बोतल खाली हो गई है, लेकिन नए लेमन लाकर मैं बोतल में ही लेमन जूस भर के रखूँगी। तो इससे तो एक तो आधा लेमन कभी कभी बच जाता है, तो उसको संभाल कर रखने की भी मुसीबत से छुटकारा मिलता है, और पार्थिव भी मॉर्निंग में स्कूल में नींबू शरबत ले जाता है तो वो भी फटाफट से बन जाता है। तो बस अभी मसाला रेडी है, सैंडविच बनाकर सबसे पहले पार्थिव को दे दूँगी। आज गर्मी बहुत है, बारिश जैसा मौसम बना था, लेकिन बारिश नहीं पड़ी, गर्मी और भी बढ़ गई है। तो बस अभी किचन क्लीन हो गया है, अब जाऊंगी पार्थिव को पढ़ाने के लिए। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ, तो फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप सबको फिर से एक बार जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं, लड्डू गोपाल आपकी सबकी मनोकामना पूरी करें। थैंक यू।